हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, और मैथ्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो ये हमने अब तक कैसा ग्राफ बनाना सीखा है कि ऐसा ये ग्राफ हमने बनाना सीखा है कि ये मार्क है, उसको 70 तक मार्क्स है उस पेपर में, और उसको फर्स्ट टर्म में कितने आए, 20 आए मार्क। सेकंड टर्म में कितने आए, 25 के आसपास, 27 के आसपास, और थर्ड टर्म में कितने आए, 35 के आसपास। तो अभी तक हमने ऐसा ग्राफ बनाना सीखा है, और ये हम सब आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है और इसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अभी जो है एक नया टाइप का ग्राफ आया है, वो हम बनाना सीखेंगे। यहाँ तक कि हमने सर्कल वाला भी देखा है, सर्कल वाले उसमें ऐसे डिवाइड करके रहते हैं, मार्क्स वगैरह होगा कौन से भी चीज का। जैसे ये हो गया साइंस के मार्क्स, उसको इसमें 100 out of 90 मार्क्स है। ऐसे हर हमने ये सर्कल वाला भी देखा है, और हर एक इसका हम लिख देते हैं, ये मैथ्स के मार्क्स उसके लिख देते हैं हम 80, और हिंदी के मार्क्स उसको 100 है, और इंग्लिश के मार्क्स 60 है, और सोशल साइंस के मार्क्स, SST के मार्क्स उसको आए 70, और कौन सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है मराठी लिख देते हैं, मराठी के मार्क्स उसको आए 85 के आसपास। तो अभी इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसने कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स कवर किए हैं। हिंदी में उसको आउट ऑफ मिले हैं, तो हिंदी में उसको सबसे ज्यादा मार्क मिले हैं। अगर वहां पर क्वेश्चन आए विच सब्जेक्ट ही स्कोर मोर मार्क्स, तो हम लिखेंगे हिंदी, और उसको सबसे कम मार्क्स किसमें आए, इंग्लिश में आए, जो कि है 60। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और एक नए टाइप का ग्राफ आया है, उसमें और नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं वही आपको बताऊंगा। तो अब नॉर्मल ग्राफ पेपर है, ये पेपर ने बोर्ड ग्राफ बनाया है मैंने इस पर। तो अभी देखिए एक नई ट्रिक आई है, और नया टाइप आया है ग्राफ का, तो वो हम जानेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बनकर है, और आपको क्वेश्चन आ गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो आप ये एक बात याद रख लेना कि ये जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, और ये हमेशा ऐसा ही है, मैंने अपने मन से नहीं दिया है। जो भी वर्टिकल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस ही देंगे, सॉरी वर्टिकल नहीं, और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। और ये ऐसा नहीं कि इसी जगह पर होगा ये ग्राफ, और इतना भी होगा, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस ही कहेंगे, लेकिन माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है माइनस एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, माइनस वाई एक्सिस। तो अभी आपको ये पॉइंट आया, और आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोला, तो अभी आप क्या बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर कौन से नंबर लाइन में है, ये 4 हो गया। तो ये इसका एक फॉर्मूला है एक्स कॉमा वाई, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोला तो ये एक फॉर्मूला है एक्स कॉमा वाई। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट पर, ये है 4। ये जो 0 है यहां से हम 4 काउंट करेंगे, 4 ब्लॉक्स, वो 4 पर है, और हम जो 0 को है वो क्या कहेंगे, ओरिजिन। तो कभी भी मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम इससे स्टार्ट करेंगे, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे हम, 1 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हमें मिल गया 4 कॉमा,
3। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 3। तो अभी आपको मालूम पड़ गया कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, और आप सोच रहे होंगे इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो अभी देखिए, मैं अलग अलग जगह पर पॉइंट्स बना लेता हूं। पॉइंट्स दिख रहे होंगे कि कैमरे में? ठीक है, मैंने अभी कहां पर 4 पॉइंट बनाए हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो अभी यहां पर लिख कर रहेगा कि ये जो पॉइंट है ये हमें बताता है स्कूल का रास्ता, और ये हमें बताता है होटल का रास्ता, और ये हमें बताता है हाउस का रास्ता, और ये हमें बताता है क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कोई मॉल का रास्ता। रास्ता मतलब यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट पर मॉल है। तो पहले तो हम इस सब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो चलो देखते हैं स्कूल, ये कौन से, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। पहले तो ये हम एक्स कॉमा वाई लिख लेंगे, कॉमा वाई, और इसके बाद अभी ये ओरिजिन से कितना दूर है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक 6 ब्लॉक। तो अभी आप बोलोगे कि आपको सीधा 6 नहीं दिख रहा क्या, मतलब आपको समझाने के लिए मैं पूरा बता रहा हूँ अच्छे से। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कौन से कोऑर्डिनेट पर है वो, 6 के, और फिर कॉमा दे देंगे, और ओरिजिन से ये कितना ऊपर है, ये 1 ब्लॉक पर ही है, तो 6, 1। तो अभी आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कोई पॉइंट देकर रहा तो उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब उसके नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो अभी इस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि समझिए, वेलू नाम का एक बच्चा है, अभी वेलू को होटल जाना है, तो उसके स्कूल से वो कितना दूर है वो अभी हम फाइंड करेंगे। तो ये है उसका स्कूल जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, 1। तो अभी उसको कितने ऊपर जाना होगा और कितने साइड जाना होगा, उसको ऐसे एमसीक्यू में आ सकता है कि 2 ब्लॉक ऊपर और 4 ब्लॉक नीचे ऐसे वगैरह आ सकता है। तो अभी हमें सीधा सीधा बताना है उसको, 1, 2, हाँ 2 ब्लॉक लेफ्ट में जाना है, और स्कूल से 2 ब्लॉक लेफ्ट में, और 2 ब्लॉक ऊपर, 2 ब्लॉक अप। तो अभी इसकी स्कूल स्कूल से होटल कितना दूर है, 2 ब्लॉक लेफ्ट और 2 ब्लॉक अप। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, 2। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे फाइंड करेंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये उसका हाउस है, उसके हाउस से होटल कितना दूर है। तो ये हाउस हो गया 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक लेफ्ट की तरफ, कॉमा, और कितना नीचे जाना है उसको, होटल इधर है ना, तो उसको यहां से 1, 2 और 2 ब्लॉक डाउन जाना है उसको, ठीक है, लिख लेता हूँ यहां पर डाउन, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे हम, 4, 2। और ये सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखने से हमें मालूम नहीं चलेगा, हमें लेफ्ट और डाउन भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम मालूम कैसे करेंगे उसको 4 ब्लॉक लेफ्ट में जाने हैं कि राइट में जाने हैं, ठीक है। तो अभी आपको पॉइंट को पॉइंट अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं वो मालूम चल गया होगा। तो अभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए 7, 2, लोकेट द पॉइंट ऑन 7, 2। तो अभी हमें पॉइंट को लोकेट करना है, और ये हमेशा याद रख देना कि 2, 7 और 7, 2 में जमीन आसमान का फर्क है। अगर 2, 7 है तो 2 होगा एक्स एक्सिस में और 7 होगा वाई एक्सिस में। अभी एक्स एक्सिस का 2 कहां पर है, वो यहां पर है, और हमें कितने ऊपर जाना है, 7 ब्लॉक अप जाना है, 7 कहां पर है, यहां पर। तो पॉइंट होगा यहां पर, कौन सी, इसमें 2, 7 में।
में, क्योंकि x जो होता है वो पहले आता है और वो जो y होता है वो बाद में आता है। तो अभी हो गया 2.7 और क्वेश्चन आया 7.2, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि y पहले आएगा कि x पहले आएगा। ये आप पहले तो नोट कर लेना कि x पहले आए और y बाद में, ये याद रखना, क्योंकि 2.7 और 7.2 में बहुत फर्क होता है। जो हमारा पॉइंट ये यहाँ पर आया है वो यहाँ पर नहीं आएगा 7.2 में। तो अभी 7 पहले है x एक्सिस पर, x एक्सिस का 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इससे हमें कितने ब्लॉक्स ऊपर जाना है, 1 और 2, यहाँ पर 2 है। तो देखिए 7.2 कहाँ पर आया और 2.7 कहाँ पर आया, तो इतना डिफरेंस होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि इस तरह के ग्राफ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं होटल स्कूल वाले कि कितने ब्लॉक ऊपर जाना है, कितने ब्लॉक नीचे जाना है, एमसीक्यू में आ सकते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, तो अभी हम जानते हैं सॉरी यहाँ पर ये है, तो इसको अभी हम मार्क कर लेते हैं माइनस वाले इसमें। तो मुझे और एक बार बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर ग्राफ, ठीक है, ऐसे ही हम लिख तो लेते हैं ओरिजिन से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, और ये यहाँ से ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो लाइंस बनानी पड़ेंगे, मैं ऐसे ही हाथ से बना लेता हूँ, अभी स्केल से नहीं बनाऊंगा मैं। चलो हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। और आप बोलोगे ये इतना अच्छा कैसे बना है, मैं ये मैंने स्केल से बनाया था और ये हाथ से बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया माइनस वाई एक्सिस, इसमें हम सीधे भी बना लेते हैं। जल्दी जल्दी एक ग्राफ बना लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ये भी इजीली समझ में आ जाएगा, ये कुछ हार्ड नहीं है। पहले इतना ही सीख लेते हैं हम। अभी आपको क्वेश्चन आया कि -2.3 इसको हम कैसे लोकेट करेंगे। तो अभी माइनस टू क्या है, ये x एक्सिस में है, माइनस x एक्सिस में, और ये क्या है, ये y एक्सिस में है, क्योंकि माइनस वगैरह कोई है, कुछ है नहीं वहां पर 3 में। तो माइनस एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, और ये हो गया इसका -2 और -2.3 पॉइंट यहां पर आएगा। अगर यहां पर लाइन होते तो चलो यहां पर भी जल्दी से बना ही लेते हैं। तो देखिए अभी हमें क्या है, -2.3, पहले हम ये तो हमेशा लिखना ही होगा आपको, अगर आपको सही आंसर चाहिए। माइनस एक्स होगा, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और माइनस टू ये हो गया हमारा माइनस एक्स एक्सिस का -2, मैंने -2 वगैरह लिखा नहीं नंबर, लेकिन आप समझ लेना इस ब्लॉक के जो भी इधर है वो माइनस में है, ये वाला पार्ट जो है वो माइनस में है। तो अभी इसके ये पॉइंट लोकेट करना होगा, ये यहाँ पर पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। क्या क्वेश्चन था हमारा, -2.y,
ओरिजिन से हम दो लाइन पीछे जाएंगे, दो ब्लॉक्स पीछे जाएंगे और तीन ब्लॉक्स अप जाएंगे, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। अभी देखिए, 3, -2, ये देखिए 3 जो होगा हमारा वो होगा एक्स एक्सिस में, और जो -2 होगा वो हमारा होगा वाई एक्सिस में। तो अभी देखेंगे हम पहले माइनस वाई एक्सिस में, तो पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस का 3। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये पहले लिख लेंगे। तो एक्स एक्सिस कहाँ पर है, ये वाली एक्स एक्सिस है हमारी, इसका 3 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। और अभी -2, तो हम दो ब्लॉक्स नीचे जाएंगे इसके, तो जैसे ही हम दो ब्लॉक्स नीचे जाएंगे, ये यहाँ पर 2 है, तो हम पॉइंट क्या कहाँ पर डालेंगे, यहाँ का डालेंगे। तो हमें पॉइंट लोकेट करने के लिए कहा, तो हमने कौन सा किया, ये वाला, क्योंकि ये आंसर सही है। तो अभी आपको ये वाला समझ में आ ही गया होगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको ये डायमंड की शेप में दिख रहा होगा और यहाँ पर क्या लिखा है, A, B, C, D। तो अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये सी का पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, 3 पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 3। पहले हम जान लेंगे 3 एक्स कोऑर्डिनेट का, हमें पहले क्या जानना होता है, एक्स एक्स की लाइन, और उसके बाद तो वाई एक्सिस है, वो वाई एक्सिस पर ऊपर नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट है वाई एक्सिस से, और वो 1 पर भी नहीं गया और ऊपर भी नहीं गया, तो उसका क्या आएगा, 0। तो एक्स एक्सिस क्या हो गया हमारा 3, और वाई एक्सिस क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि ये ऊपर है ही नहीं, वाई एक्सिस के लाइन में ही नहीं है, वो 1 के पास है क्या, नहीं है, पॉइंट कहाँ पर है, 3 पर ही है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, 3, 0। और ऐसे ही क्वेश्चन आ गया डी की, डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो अभी ये एक्स एक्सिस में 3 की लाइन में है डी, मतलब 3 ब्लॉक्स ऊपर है, 3 ब्लॉक साइड में है, राइट साइड में, तो हम 3 लिख देंगे। 3 से कितना ऊपर है ये, 1, 2, 3, 4, 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर, y की एक्सिस क्या है, ये 4 की लाइन में है, कॉमा 4, तो ये हो गया 3, 4। तो ऐसे ही कुछ अलग टाइप के भी आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये जो है ये बेसिक क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। थैंक यू।